मेरे मालिकाओं के जो हालात हैं उस पर बात कोई कर ही नहीं रहे। तब वो उसको मारने की धमकी दे रहा, वो उसको मारने की धमकी दे रहा, आपस में लड़े पड़े। हाँ बस आपस में लड़ रहे। तो इतने बेहतर है यहाँ बीजेपी है तो उतने कहीं मैं ले रहा हूँ सबको तो देखिए। तो नमस्कार आदाब। कुछ नए तरीके से हमेशा इंट्रो बोलने की कोशिश करता हूँ मगर होता नहीं, अंदाज पुराना रहेगा, काम भी पुराना ही रहेगा। एक नया इलाका, नए लोग, नए विचार आपके सामने लाने की कोशिश में लगातार हम और कैमरामैन जैद लगे हुए हैं। अलग इलाके इलाके घूम रहे हैं, थकावट तो इतनी हो रही कि पैर दर्द कर रहे हैं। मालेगांव में लगातार पैदल घूमे जा रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके ख्याल क्या हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। अभी सर विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो कोई नाम, कोई चेहरा आपके दिमाग में है जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? नहीं अभी तो कुछ सोचने बननी है। अच्छा, हाँ अब आगे का इनसे पूछो। आपने अभी मन बनाया सर, कोई फैसले पे आप आए हैं कि किसे वोट डालना है आमदार के चुनाव में? अभी तो हमारा कोई मन नहीं है। ऐसे अच्छा, ऐसे मुद्दे क्या हैं मालेगांव के जिन पे आपको लगता है कि बात होनी चाहिए? जैसे हम लोग पिछले बार जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वहाँ पे सड़क वगैरह का मुद्दा निकल करके आया था। जैसे अभी तो जैसे हम जलता जलूस जो सुन रहे हैं, काम की बात तो उस पर कोई कर ही नहीं रहे, सब मार धाड़ी की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कोई कर ही नहीं रहे। जो बात होना चाहिए स्टेज से तो वो बात के अंदर वो दम ही नहीं है। मेरे मालेगांव के जो हालात हैं उस पर बात कोई कर ही नहीं रहे। तब वो उसको मारने की धमकी दे रहा, वो उसको मारने की धमकी दे रहा, आपस में लड़े पड़े हैं। हाँ बस आपस में लड़ रहे। तो इतने बेहतर है यहाँ बीजेपी है तो उतने कहीं में ले लाओ सबको तो देखिए, या बीजेपी का लाओ या तो उतने का लाओ, इतने बेहतर वो है सबको देखिए, है कि नहीं? तो मतलब आप नाराज हैं बहुत ज़्यादा उन राजनेताओं से जो मंच से किसी भी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते हैं ना? हाँ, जनता के हालात जो है उस पर गौर फिक्र नहीं करते यार, हालात क्या है मालेगांव के, सब अपना अपना गली, वो उसको ताने देते हैं, वो उसको ताने देते। और लोगों से बात करते हैं। जी सर, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, नज़दीक है बहुत, कोई ऐसा चेहरा, कोई नाम आपके जहन में जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? आमदार के रूप में कोई भी आए, सिर्फ अपने गांव का काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बस इतनी हमको जो है ना उम्मीद है। कौन से सेक्टर में आपको लगता है कि सर विकास की ज़रूरत है? जैसे यहाँ पे मालेगांव में कई सारे लोगों का बोलना है कि बस बातें होती हैं, विकास बहुत सालों से यहाँ पर नहीं हुआ है। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये सब, इसमें जो है ना विकास होना चाहिए, तालीम तरक्की और बच्चों की पढ़ाई में और सेहत में, और जैसे गंदगी वगैरह हर रोड चौराहे पे होती है, सफाई का ख्याल रखा जाए, उसमें सब जो है ना काम होना चाहिए। काम MLA कोई भी बने, हमको सिर्फ काम से मतलब है। राजनेता इन मुद्दों पे बात करते हैं सर, जैसे आपने शिक्षा का बताया? करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, बहुत कम अमल होता है। बात होती है मन से मगर बात तो होती है, अमल बहुत कम होता है। इस पे काम होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उस पे जो है ना पूरा खरा उतरना चाहिए। हम लोग का सिर्फ यही बोलना है, कोई भी चुन कर आए सिर्फ अपने गांव का काम होना चाहिए, लोगों का सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल रखा जाए, तालीम का ख्याल रखा जाए, बस इतनी हमको जो है ना उम्मीद है। रोड गटर है और ये सब जो है ना ये चीज़ें ये सब जो है दुरुस्त हो, करप्शन ना हो अपने यहाँ, बस इतना ही हम लोग को उम्मीद है करने की। चलिए सर धन्यवाद। आपके क्या विचार है सर विधानसभा चुनाव पे? जैसे ये भाई अभी बोल करके गए हैं कि विकास पे बात होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि कोई पक्ष, कोई चेहरा ऐसा है जो विकास पे बात करता है मालेगांव के अंदर? विकास जो है ना आज 35-40 साल से नहीं हो रहे, निहाल साहब की टीम से विकास नहीं हो रहे। निहाल साहब अगर वो टीम में अगर अच्छा विकास करके जाते ना तो इसकी अभी जो है ना ये मगज मारी नहीं रहती रोड गटर की। अभी आज तक जो रोड गटर गाँव में चल रहे ना बोले सियासत, उसके ऊपर आज ये मामला रहता ही नहीं। अगर वो निहाल साहब की टीम के से अगर आता ना मामला तो निहाल साहब के पास शेख आसिफ साहब, शेख रशीद साहब, ये लोग भी अगर कर दिए होते ना तो आज तक ये मामला रहता ही नहीं। रोड गटर, रोड गटर, रोड गटर, आज साला 10-15-20 साल से खाली रोड गटर में ही परेशान है मालेगांव। अब ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह काम होगा। मौलाना जो है ना काफ़ी ढेर सारा गाँव के अंदर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे वो।
मौलाना से उम्मीद है और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह, और अब की बार मौलाना जीत के आएंगे इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद है हम लोग। आपके क्या विचार हैं सर विधानसभा चुनाव पे? जैसे ये तो जो है वो मुफ्ती साहब के सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सर क्या होगा मालेगांव में? क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है मालेगांव में। क्या है, रोड पे आने आने की इतनी तकलीफ हो रही, गटर नहीं बन रही, रोड नहीं बन रही। वही तो बोल रहा ना, 35 साल से रोड नहीं बन रही, लाइन से इतनी तकलीफ हो रही है गाड़ी लाने को इसको। हैं, हम गाड़ी ला रहे, हमारी कम्बर दुख रही है। अच्छा, आप गाड़ी कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं? गाड़ी है। अच्छा, वो ठेला जो है, वो ठेला आप ढकेल करके लाते हैं ये खराब सड़क की वजह से? ढेला गाड़ी हम लोग लोड के लाते, इतनी तकलीफ हो रही है, खड्डे खुड्डे कितने गटर, इतने बेकार बेकार गड्ढे हो गए, तकलीफ हो रही हमको लाने लाने को। अरे हाँ, 35 साल तो हो गए ना, आप बोले आप बनाएंगे, जब बनाएंगे आप बनाएंगे, जब बनाएंगे, कम से कम 15-20 हाँ, बहुत तकलीफ हो रही हमको अभी लाने ले जाने को। कोई नाम, कोई चेहरा जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई है अभी, कोई किसी फैसले पर नहीं पहुँचे? नहीं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नहीं, आप भैया आपका क्या नाम है? मुदस्सिर अहमद। तो कोई नाम है दिमाग में आपके जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं विधानसभा चुनाव? नहीं नहीं, वो राशिद भाई लोग ने बोले ना, वो सही बोले। अच्छा, आपके भी विचार वही है? हाँ। जो 35-40 साल से काम जो ठहरा हुआ है वो अब तक वहीं रुका हुआ है, राशिद भाई लोग ने जो बोले ना वही सही है। सही, आइए वहाँ चलते हैं, युवाओं से बात करेंगे। युवा देश का चाय पी रहा है, टपरी पे बैठा हुआ है, रोजगार दीजिए, नहीं बैठेगा। ये बात करते हैं, क्या नाम है भाई आपका? वाहिद। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है तो कोई नाम, कोई चेहरा दिमाग में जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? अभी तो नहीं देखना चाह रहे, जब इलेक्शन आएगा जब देखेंगे। अभी कोई नतीजे पर नहीं पहुँच रहा है? आप भैया आपके क्या ख्याल हैं इस पे विधानसभा चुनाव? वो सब मामले में अपन इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, युवा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो कौन लेगा? और वो तो वक्त तो बताएंगे। अच्छा, युवाओं को तकलीफें क्या क्या है मालेगांव में? आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आइए और लोगों से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। कोई नाम है, कोई दिमाग, कोई चेहरा है आपके दिमाग में जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव? मुफ्ती इस्माइल। कोई खास वजह उनको सपोर्ट करने के पीछे? खास वजह बोले तो है ना, वो करता धरता है, कर रहे है, करने को करते है, वो तो लोग टांग अड़ाते है। बोला आपके भी वही ख्याल है? मुफ्ती साहब किले में तो मुफ्ती साहब ही गली ओढ़ देते, लोग पढ़े लिखे समझदार है, इसलिए मुफ्ती साहब को ओढ़ते। पूर्व सरकार ने काम किया है, अभी पिछली बार जनता ने जिस व्यक्ति को मौका दिया था बोल रहे नहीं, उसे एक आदमी लोग कहाँ काम करते हैं, मुफ्ती साहब काम कर रहे हैं, मुफ्ती साहब रहेंगे तो आइंदा भी काम होगा और काम करेंगे। वो मेरे हिसाब से काफ़ी है, काफ़ी लोगों से बात कर ली हम लोगों ने। रश देखिए आप, लोग तो बहुत सारे हैं मगर कुछ लोग कैमरे और माइक से घबराते हैं, बचते हैं खास तौर से अगर कहूँ तो, बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि कोई विवाद हो जाएगा। हाँ, कुछ बोलना है क्या? विधानसभा चुनाव आ रहा है अभी भाई। एम एम वाले हम, एम एम वाले, एम एम वाले भाई हम, दुलिया से हम, दुलिया दुलिया एम एम, हाँ दुलिया से एम एम वाले हम, दुलिया में आने वाले हम लोग। वैसे वैसे आओ मेरे भाई, कोई बात नहीं यार, पार्टी का थोड़ी रहता है यार। चार देख भाई, हम एम एम वाले एम एम को उठेंगे यार हम। क्यों, मतलब एम एम को सपोर्ट करने कोई खास वजह? जो संसद में मुसलमान की तरफ से बोले हम उसको उठेंगे, और बीजी वाला बोलेगा ना हम उसको उठ देंगे, ठीक है? जो मुसलमान की तरफ से बोलेंगे एकदम सीधी सी बात, वो एम एम वाले इसलिए वो बोलते हैं, इसलिए हम उसको उठ दे रहे मेरे भाई। तो अभी कितने किलोमीटर पड़ता है दुलिया यहाँ से? यहाँ से भाई 50 किलोमीटर पड़ता है दुलिया। 50 किलोमीटर, 50। तो आप ये कारोबार की वजह से यहाँ पर आते हैं? कारोबार से जा रहे हैं हम बाहर, अभी नासिक जा रहे हैं हम। अच्छा, नासिक जा रहे हैं? नासिक जा रहे हैं। ऐसे इसी गाड़ी पे? इसी गाड़ी पे। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से दुलिया? नहीं नहीं, नासिक। नासिक यहाँ से हमारे सिटी से बाहर 150 किलोमीटर। तो गाड़ी पे जाएंगे आप? हाँ, ये गाड़ी पे। रात के वक्त अभी आएंगे, बस जा रहे हैं ऐसे निकल रहे। चलिए संभल के जाइएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो हालात नहीं है भाई, ज़बरदस्त आवाज़ है गाड़ी की और ये गाड़ी नासिक तक जाएगी। खैर चलिए, ये थे जनता के विचार, अब इस पर आपकी क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
और एक छोटी सी मदद जो आप हमें सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, इतनी जो हमारी मेहनत चल रही है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।